यदि कोई बेइज्जती कर रहा है तो भी उससे घबराओ मत, क्योंकि यदि वो एक बार भी तुम्हारे खिलाफ या तुम्हें कुछ भी अपशब्द कहेगा ना, तो तुम पर तो कोई ध्यान नहीं देगा कि तुम्हारे लिए वो क्या कह रहा है। लेकिन एक बात है कि उन पर सब ध्यान देंगे और उनकी फिर बहुत निंदा होने वाली है। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि यदि कोई इज्जत नहीं दे रहा है तो इससे तुम्हें परेशान नहीं होना है, ये तो उसके संस्कार है। तुम्हें पता है, जब जब तुमने जिस चीज़ की इच्छा की है तुमने उस ओर ध्यान देना बंद किया है ना, तब तब तुम्हारी जिंदगी से निराशा आती गई है। मैं तुम्हें बार बार यही दर्शा रहा हूँ कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो, उस तरफ ध्यान दो। यदि वो काम नहीं करोगे तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा थी, जो आशीर्वाद तुमने मांगा था और जो मैंने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है, वो पूरा होगा। वो सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वो सपने सच होंगे। इसलिए अब काम उसी दिशा में करो, बार बार कहना, तभी पूरी जिंदगी आराम से रह पाओगे। और तुम्हें किसने कहा तुमसे कि जब मेरे मंदिर आओगे, जब तीर्थ करोगे, जब मंदिर जाओगे तभी कृपा मिलेगी तुम्हें? वहाँ जाओगे तो कृपा तो निश्चित मिलेगी, लेकिन वहाँ से बुलावा आए इसके लिए अपने कर्मों को अच्छा करना पड़ता है। किसी भूखे को खिला दो, इससे सुंदर कृपा क्या हो सकती है? किसी का पेट भर जाए, किसी का तन ढक जाए, किसी का सम्मान बच जाए, किसी का रोना चुप हो जाए, इससे सुंदर और क्या हो सकता है? और इससे सुंदर सेवा और भी क्या ही हो सकती है? मेरे लिए तो सब खड़े होते हैं, मैं एक मांगू तो मेरे बच्चे हजार देने को तैयार हैं। पर जो मैंने बनाया है उसकी हिफाजत करना भी तो सबका एक तरीके से दायित्व है ना, तो वो पहले निभाओ और फिर तुम देखना मेरी थाली से खाना मिलेगा तुम्हें। आज भी मिलता है, पर वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। पर हाँ, तुम्हें यदि ये जांच पड़ताल करनी ही है कि क्या सच में मेरी सच्चरित्र से कृपा होती है या नहीं, तो एक बार मेरी सच्चरित्र का पूरे मन से पाठ करो, बिना कुछ मांगे। कभी कभी अपने भगवान पर, अपने बाबा पर विश्वास करके सब छोड़ देना चाहिए। कुछ कहे बिना, कुछ मांगे बिना, कुछ जिद किए बिना बस पाठ कर लो और शांत रहो। देखो फिर वो सब मिलेगा जो तुम्हें नहीं मांगा था वो भी। मैं अपनी उदी का सेवन करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी उदी तुम्हारे रोग को तो दूर करेगी ही, साथ ही साथ तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगी, बुरे लोगों से, जादू टोने से तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारी बुद्धि को गलत रास्ते पर जाने से रोकेगी। तुम सही फैसले लो इसलिए भी जरूरी है कि तुम उदी का सेवन करते रहो। खुश रहो।